और मैं आपको 1 या 2 घंटे पहले ही बता दूंगा कि अब रेट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो आपको एक लगभग आइडिया मिल जाता है पहले ही, आधे घंटे पहले, कि आने वाले 6-7 घंटे में क्या होने वाला है। 8:30 बज रहा है, 8:30 बजे मार्केट नीचे आ गया है और अब यहाँ से 1-2 घंटे के बाद मार्केट सीधा ऊपर जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं जिया स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ आप सबकी होली कलरफुल रहे, जॉयफुल रहे। तो दोस्तों हमेशा की तरह आज मैं आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नई वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो है क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से रिलेटेड। और इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप मार्केट का ट्रेंड पता कर सकते हैं कि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी या दूसरी ऑल्ट कॉइन्स जो भी हैं उनका मार्केट में रेट कब ऊपर जाने वाला है और कब नीचे आने वाला है। और ये बहुत ही इजी तरीका है और मेरे हिसाब से बहुत कम लोग शायद इसके बारे में जानते होंगे। और जहाँ तक मैंने YouTube में भी देखा है तभी तक इस तरह का कोई वीडियो नहीं है, तो मैं ये डिटेल्स आपके सामने रखने वाला हूँ। एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो अगर आप गूगल सर्च करना जानते हैं तो आप मार्केट में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का रेट पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट 2-3 घंटे में वो रेट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल ट्रेंड्स के थ्रू हम बिटकॉइन का चार्ट एक कंपेयर करेंगे और मैं आपको 1 या 2 घंटे पहले ही बता दूंगा कि अब रेट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। और ये इतना इजी मेथड है कि अगर जिसको चार्टिंग्स के बारे में ज़्यादा आता नहीं है या कंफ्यूज होता है तो वो सिर्फ गूगल ट्रेंड्स का चार्ट देखकर ही पता कर सकता है कि अब ट्रेंड कहाँ जाने वाला है। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आपको गूगल में सर्च करना आता है, टाइप करके एंटर करके सर्च करना आता है तो आपके लिए बहुत आसान है ये। तो इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि गूगल ट्रेंड को ओपन कैसे करते हैं और उसमें कीवर्ड डाल के उसका चार्ट कैसे पता करते हैं, किस तरह से लाते हैं चार्ट, और चार्ट के हम ड्यूरेशन क्या रखेंगे। तो मैं इस वीडियो में जो चार्ट का ड्यूरेशन रखने वाला हूँ वो लास्ट 7 डेज़ का रखने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि लास्ट 7 डेज़ का जब हम चार्ट रखते हैं तो उसके अंदर हमें जो ग्राफ दिखता है वो काफ़ी अच्छा ग्राफ दिखता है, जिसकी बदौलत हम देख सकते हैं कि हाँ अब 8:30 बज रहा है, 8:30 बजे मार्केट नीचे आ गया है और अब यहाँ से 1-2 घंटे के बाद मार्केट सीधा ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो टाइमिंग के हिसाब से भी हमें सब कुछ मालूम पड़ जाएगा और वो मैं आपको बता भी दूंगा कि अभी 8:30 बजे मार्केट यहाँ नीचे है गूगल ट्रेंड के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है उस पर मार्केट नीचे है और 2-3 घंटे के बाद वहाँ पे मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, और जो गूगल ट्रेंड है वो बेस्ड है लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर। अगर हम कीवर्ड डालते हैं बिटकॉइन तो गूगल ट्रेंड हमें ये बता देता है कि अभी कितना क्रेज़ है लोगों के बीच में बिटकॉइन का। ठीक है, और उस क्रेज़ का लेवल भी बता देता है कि 50% लेवल है, 75% है कि 100% लेवल है। तो कौन सा लेवल सही रहेगा और कौन सा लेवल ख़तरनाक रहेगा, कि उस लेवल पे अगर आपको मार्केट का ट्रेंड दिखता है तो समझ जाइए कि मार्केट नीचे आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ पूरा, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। और उसको देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो बिटकॉइन की ट्रेडिंग करते हैं उसमें जो भी आपको छोटी मोटी परेशानियाँ आती हैं वो और कम हो जाएंगी। ठीक है, मैंने पहले भी और वीडियोस बनाए हैं जो चार्टिंग मेथड्स के ऊपर, और उसको भी आप साथ में लेके चलिए और इसको भी देखते रहिए तो आपको ट्रेंड भी मालूम पड़ता रहेगा। तो जितनी चीज़ों को आप एक साथ जोड़ेंगे उतना ही आपका काम आसान होते जाएगा। और आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर एक बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और आगे शुरू करने से पहले सिर्फ आपका 2-3 मिनट मैं लूँगा, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले जो वीडियो था उसमें भी मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, किस तरह की इनकम अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं आपके सामने लेके आऊँ, आपको समझाऊँ, जो इसमें बिन जिसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको एक पैसा नहीं भरना है। तो उसमें से बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया है और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मैं ब्लॉगिंग के बारे में बताऊँ उनको और यूट्यूब के बारे में बताऊँ। तो जल्दी मैं ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको वीडियोज़ भी लेके आऊँगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि आपको जो आपके सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत ज़्यादा रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिप्टो कॉइन से अर्निंग करें। ठीक है, आपको ब्लॉगिंग से भी अर्न करो, यूट्यूब से भी अर्न करो, सीपीसी मार्केटिंग उससे भी अर्न करो, एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा, कहीं से अगर सपोज़ करिए आज आपका एक सोर्स से अमाउंट कम आने लगा है तो
तो बाकी जो सोर्सेज है वहाँ से आपको इनकम आने लगती है। और मार्केट का ट्रेंड देखिए कैसा रहता है कि जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह अर्निंग भी बदलती रहती है हर ट्रेंड को लेते हैं। सपोज़ करिए अभी जो ट्रेंड चल रहा है एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, कुछ समय ऐसा आएगा, कुछ महीने आएगा कि एफिलिएट मार्केटिंग का ट्रेंड नीचे हो जाएगा, उसके बाद चलेगा एफिलिएट मार्केट, उसके बाद आ सकता है सीपीसी मार्केटिंग का आ सकता है, फिर कभी यूट्यूब का आता है, कभी ब्लॉगिंग का आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको पकड़ के चलना है। और फाइनली एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ वो एक माइनिंग के बारे में, बहुत छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और उस वीडियो में देखिए बहुत सिंपल है कि आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको माइनिंग सॉफ्टवेयर खरीदना है, कुछ हार्डवेयर कुछ भी नहीं खरीदना है, ना कुछ सेटअप करना है, ठीक है। आपकी माइनिंग ऑटोमेटिकली होती रहेगी और आपको मोनेरो कॉइन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ये जो ऑटोमेटिक माइनिंग है इसके थ्रू आप मोनेरो कॉइन्स जो है वो आपको मिल सकता है, इसमें आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसा है, लेकिन ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को कम से कम 1,000 लाइक मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं और आगे मैं नई वीडियोस लेके आऊँ उसी हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा वक्त नहीं गंवाएंगे, चलिए चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से गूगल ट्रेंड को यूज़ करके हम पता कर सकते हैं मार्केट बिटकॉइन का ट्रेंड क्या है और बिटकॉइन का रेट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन करना है trends.google.com/trends, या आप सीधा टाइप कर सकते हैं google.com/trends। तो आपको इस तरह का एक पेज ओपन आएगा। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आपको टाइप कीजिए यहाँ पे बिटकॉइन यूएसडी। ओके, और यहाँ पे आप इसको क्लिक करिए। तो गूगल ट्रेंड क्या करेगा, बिटकॉइन यूएसडी जो कीवर्ड है इसका अभी गूगल पे ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब लोग इसके बारे में कितना जानना चाहते हैं या कितनी क्वेरीज हो रही है इसके बारे में, वो आपको बताएगा। तो ये देखिए ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है पूरा। ओके, और ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, ये बता रहा है कितना ज़्यादा क्वेरी हुआ था, और जितने भी हाई पीक्स आप देख रहे हैं उसका मतलब ये है कि उस समय उस वक्त जो बिटकॉइन का रेट था वो सबसे ऊपर गया था। ओके, अब मैं आपको आगे बता दूंगा कि ये 100% जब क्वेरीज होती है तो वो फायदेमंद है या 75% है या 50% है। ओके, फिलहाल आपको इस तरह से ये कीवर्ड डालना है और जब आप एंटर करेंगे तो इस तरह से आपको एक ग्राफ दिखेगा। अब आपको यहाँ पे देखना है ये जो ग्राफ है ये पास्ट 12 मंथ्स का है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्लिक करके जाना है पास्ट 7 डेज पे। जब आप पास्ट 7 डेज करेंगे तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा जो पिछले 7 दिनों का जो भी ट्रेंड है वो आपको बताएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि 75% सही है, 50% सही है या 100% सही है, तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं। जब भी ये ग्राफ 100 पे आता है, ठीक है, या 75% क्रॉस करके आता है, तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि मार्केट गिरने वाला है, क्योंकि ये पूरा बिटकॉइन का ट्रेंड जो बता रहा है ये गूगल ट्रेंड्स बता रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी आप देखिए 100 पे नीचे गिरा है, ठीक है, और फिर जब भी 75 क्रॉस किया तो उसने नीचे छलांग मारी है। ओके, यहाँ देख सकते हैं 75%। ओके, अब मैं आपको बता दूं और डिटेल में बताऊंगा, या अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ क्या है। तो आपने पहले ओपन करना है बिटकॉइन यूएसडी पार्ट 7 डेज का, फिर आप इसको राइट क्लिक कीजिए ऐसे और इसको डुप्लीकेट करिए, ठीक है। डुप्लीकेट करके आपको क्या करना है, पास 7 डेज रखना है और कैटेगरीज में जो है आपको सिलेक्ट करना है फाइनेंस। ओके, तो मैंने ये दो चार्ट ऑलरेडी ओपन करके रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला ये है बिटकॉइन यूएसडी पास्ट 7 डेज ऑल कैटेगरीज। ओके, इस तरह से आपको दिखेगा, और उसके बाद है बिटकॉइन यूएसडी पास्ट 7 डेज फाइनेंस का। तो ये फाइनेंस का चार्ट है, दोनों लगभग सेम है, थोड़ा बहुत आपको फाइनेंस और उसमें डिफरेंस दिखेगा, आप देखिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने गूगल ट्रेंड्स का ये जो चार्ट ओपन किया है ये लगभग 22 तारीख से, फेब्रुअरी 22 तारीख शाम के 7:30 से, ये है अभी लेटेस्ट है 1 मार्च शाम के 6:30 बजे का चार्ट है, ठीक है। तो ये चार्ट में ये खूबी ये है कि आपको जो लास्ट यहाँ पे ट्रेंड दिखता है वो लगभग कुछ आधे घंटे के पीछे रहता है, ठीक है। तो आपको एक लगभग आइडिया मिल जाता है पहले ही आधे घंटे पहले कि आने वाले 6-7 घंटे में क्या होने वाला है।
तो मैं आपको एकदम इसको इजी तरीके से बताऊंगा, ज्यादा इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। ये जो 50% का बेस लाइन है, ये काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है। ओके, मतलब कि जब भी जो ट्रेंड का लाइन देख रहे हैं ग्राफ, वो जब भी आपका 50 पे टच होता है या 45 50 के आसपास जब भी टच करेगा, आंख बंद करके ये सोच लीजिए कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। ओके, तो ये मैंने आपको यहाँ पे पूरा बताया है कि जब भी ये टच कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, फ़रवरी 25 रात को 12:30 बज रहे हैं, ठीक है, जब इसने टच किया उसके बाद से ऊपर जा रहा है। ओके, तो ये मैं अभी आपको ग्राफ में दिखा देता हूँ, 25 फ़रवरी रात को 12:30 बजे। तो यहाँ पे आते हैं हम, ये रहा 25, और यहाँ पे देखिए, ओके, मेरा कर्सर देखिए, यहाँ पे डेट दिखा हुआ है 25 फरवरी 12:30 बजे रात के, ठीक है, यहाँ पे जब आया उसके बाद से सीधा मार्केट ऊपर गया। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, ये तारीख है कुछ 25 तारीख 3:30 4 बजे के आसपास, ठीक है, हम लास्ट पॉइंट पकड़ते हैं जो है 26 तारीख रात को 12:30 बजे। 26 तारीख, ये देखिए, रात को 12:30 के आसपास, ठीक है, जब उसने ट्रेंड लाइन 50 के नीचे टच किया है, उसके बाद से सीधा मार्केट ऊपर आने वाला है। ओके, तो बहुत सिंपल है, जो डिफरेंस रहता है ट्रेंड लाइन और अभी के टाइम में, वो लगभग आधे घंटे के आसपास रहता है, तो इजीली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसी तरह आगे जितने भी आप पॉइंट्स देखेंगे, सब पॉइंट्स जब भी टच हुआ है, जैसे कि सपोज करो अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 27 तारीख को रात को 12:30 बजे के आसपास एक बॉटम टच हुआ है, तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे, ठीक है, यानी कि मुझे आधा घंटा बाद, आधा घंटा लेट पता चल रहा है यहाँ पे, और जो ऑनलाइन टाइम होगा वो होगा 1 बजे, ठीक है, तो भी मुझे अगर 12:30 बजे पहुंच पता चला है कि नीचे बॉटम टच कर दिया है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर आने वाला है, तो मैं यहाँ से परचेस कर सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ कॉइन्स, कि मार्केट ऊपर आने वाला है, ऊपर जब आएगा तब उसे मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप ऐसे समझ सकते हैं। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे कि 50% की जो बेस लाइन है वो काफी अच्छी सपोर्ट लेवल है, जब भी टच करेगा ऊपर आएगा। ओके, दूसरा जो सपोर्ट लेवल अच्छा रहता है वो होता है 50 से लेके 65 के आसपास भी, वो भी अच्छा रहता है सपोर्ट लेवल, मतलब उसके बीच में भी जब आता है तब आप समझ सकते हैं कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो लेवल है 75 का आप देख रहे हैं, ठीक है, 75 इन द सेंस 65 to 80 के बीच में, जब भी ये ऊपर में टच होगा, ठीक है, पहले मैंने जो आपको बताया वो नीचे से ऊपर कब आता है। ओके, जब बेस टच होता है, अब ऊपर से नीचे कब आता है वो मैं आपको बताता हूँ, कि जब भी 65 या 75 के आसपास जब ये बेस लाइन पर टच होता है, तब आप समझ लो कि अब मार्केट नीचे आने वाला, रेट नीचे आने वाला है। ठीक है, मैं आपको जो भी है वो सब सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, अगर इसको आप एडवांस तरीके से समझना चाहते हैं, तो इसके अंदर जो मैंने पहले चार्टिंग मेथड्स बताए हैं और एडवांस चार्टिंग बताया है, उसमें से भी कुछ पॉइंट्स अगर अभी आपको अगर याद होगा, ठीक है, अगर आपने उसको स्टडी किया होगा, याद होगा, तो वो भी इसमें आप मिक्सअप करके एक आइडिया ले सकते हैं, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये 75 का टॉप रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे जब टच करके आएगा, बॉटम मारेगा, तो समझ लो कि रेट नीचे आने वाला है, उसी तरह से आप देख सकते हैं सारे पॉइंट को। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे ऊपर तो टच किया है लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे नहीं गया, ऊपर गया है, जैसे कि एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, और तीसरा ये पॉइंट है। ओके, तो पहले मैं आपको इस पॉइंट का बताता हूँ, जब भी 100 टच करता है, ठीक है, 89 या 100 90 100 के आसपास आता है, तब तो वो काफी, मतलब एक डेंजरस लेवल होता है, कि ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आप 10 में से पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा 8 मरतबा जब भी 75 क्रॉस करेगा, जब भी 75 क्रॉस करेगा तो नीचे ही आने वाला है मार्केट। अब यहाँ पे 100 क्रॉस किया है, तो इस पॉइंट पे जैसे कि आप टाइम देख सकते हैं, बता रहा हूँ कि 23 फरवरी सुबह 9:30 बजे, अगर आप इस तरह से देख रहे हैं तो आप सोचेंगे अब यहाँ टच हुआ है तो मार्केट नीचे आएगा, लेकिन 23 फरवरी 9:30 बजे के बाद से मार्केट ऊपर गया है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मेरा कर्सर देखिए, डेट बता रहा है 23 फरवरी 9:30 बजे सुबह, ठीक है, यहां से सीधा मार्केट ऊपर गया है,
और हमें यहाँ पे क्या दिखता है कि मार्केट नीचे आया है, तो मार्केट ऊपर क्यों गया है? अब इसके लिए मैं जोड़ूंगा हमारा लास्ट एडवांस चार्टिंग मेथड, पहला ऑप्शन। दो ऑप्शन है इसके, दो पॉइंट है जिसकी वजह से ये ऊपर गया है। पहला है एडवांस चार्टिंग में बताऊंगा, जिसमें है टॉप 3 हाइज बनाना, ओके। उसमें मैंने एक बताया था टॉप 3 रिवर्सल बताया था, और एक और पॉइंट है टॉप 3 हाइज बनाना। तो यहाँ पे आप देखिए, पहला एक हाई बनाया है ये जब मार्केट नीचे रहा था, एक हाई। उसके बाद ये दूसरा हाई बनाया है 72% का, उसके बाद ये तीसरा हाई बनाया है, ठीक है। तो एक ये इंडिकेशन है कि अब जब टॉप जाएगा तो, ताकि लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज है, टॉप जाएगा तो ऊपर जाने के चांसेस हैं, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि यहाँ पे आप पीछे ग्राफ नहीं दिख रहा है, लेकिन इससे पहले जो ग्राफ था वहां पे जो बॉटम बनाया था, ओके, उस बॉटम से ये बॉटम ऊपर है। मतलब वो बॉटम था कुछ 54 के आसपास, और ये बॉटम जो बनाया 63, मतलब यहाँ पे एक नया बॉटम बनाया, ऊपर की तरफ बनाया है, ओके। तो ये दो इंडिकेशन मिलता है, तो उससे हमें ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा इस पॉइंट से, तो ऊपर गया है। अब देखिए, पहला हमारा इससे पहले जो बॉटम था ये 63 था, और आगे हम चलते हैं तो 63 तोड़ के नीचे का एक बॉटम बनाया है, नीचे का एक बॉटम बनाया है। तो 75 तो एक पॉइंट था हमारे पास, उसके बाद एक बॉटम वाला भी पॉइंट आ गया, दो पॉइंट मिल गए हमें, जिससे हम ये कह सकते हैं कि अब मार्केट नीचे जाएगा, ओके। अब देखिए, यहाँ पे 58 था, और 58 पे तोड़ के एक नया बॉटम बनाया 47 का, ओके। तो नया नीचे का बॉटम और ऊपर से 70 के आसपास टच भी किया है, तो दो प्लस पॉइंट हमारे पास कि नीचे जाएगा, तो नीचे गया उसके बाद से। फिर 47 का तोड़ के 46 नीचे आया है, और हमारा 75 भी टच किया है, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से नीचे आने वाला है, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट बनाते हैं और ये जो पॉइंट हम मिक्स करते हैं, उसका मतलब रहता है कि मार्केट नीचे जाएगा, ओके। अब देखिए, ये तो 46 था, अब यहाँ पे जो टॉप गया है, तो इस पॉइंट से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। ग्राफ नीचे दिखा रहा है, लेकिन मार्केट जो गया ऊपर की तरफ गया है, इसलिए गया है कि यहाँ पे जो बॉटम बना है वो पिछले 46 को तोड़ के ऊपर की तरफ बना है, मतलब हाई वाला बॉटम बना है, ठीक है। इसके लिए मार्केट ये ऊपर गया है। और दूसरा रीजन ये था कि हमारा जो सेफ लेवल था वो था कुछ 65 से 75 के आसपास, लेकिन ये गया है 90 टच कर दिया लगभग, जैसे मैंने कहा 100 और 90, ये डेंजरस पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ज्यादातर चांसेस होते हैं ऊपर जाने का, अगर आपके पास कुछ साथ में प्लस पॉइंट्स हैं। तो मेरे पास एक प्लस पॉइंट ये था कि पिछला जो बॉटम था उसको तोड़ के नया एक ऊपर वाला बॉटम बनाया 53, और ये 90 के आसपास है, तो शायद मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये जो आप टाइम देख रहे हैं 27 फरवरी 10:30 बजे के आसपास, तो इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया था, ओके। और उसके बाद से हम रेगुलर जाएंगे, ये बॉटम लगभग सेम है, तो यहाँ से मार्केट वापिस से नीचे आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये एक जो गूगल ट्रेंड्स है वो एक आइडिया देता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा, और लगभग आपके पास 6 से 7 घंटे का टाइम रहता है। तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं या एक दिन की भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, सपोज करिए आज बाय करना चाहते हैं और 10-12 घंटे के बाद सेल करना चाहते हैं, तो ये जो आपको चार्ट दिखता है ये काफी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस पे आपको 101% निर्भर रहना है, पर ये काफी अच्छी एक आपको आइडिया दे देता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसे जाएगा, और इंट्राडे या एक और दिन, एक या दो दिन का जो इंट्राडे होता है उसके लिए आपको मार्केट का रेट भी काफी अच्छा बता देता है ये। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब बज रहा है 10:30 बजे, ठीक है, तो अभी हमें एक आइडिया मिल गया कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है, ओके। यहाँ से तो हमने यहाँ पे अपनी कुछ ट्रेडिंग नहीं की, हमने नीचे का वेट किया है, और यहाँ पे जब नीचे आ गया बॉटम, ठीक है, तो आपने बाय कर लिया उस समय, ओके। और अब आपको आइडिया पता चल गया कि इसने 50 भी टच कर लिया यहाँ पे, 50 का लेवल, तो ये ऊपर जाने वाला है। तो ऊपर जब जा रहा है, अच्छा सा लेवल आ गया, सपोज करिए ये आया कुछ 11:30 बजे रात के, और मॉर्निंग के आसपास ये ऊपर में गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक आइडिया मिल जाता है कि आपको अब आप बेच सकते हैं हाई लेवल पे, ओके। तो इंट्राडे में काफी मदद करता है। दूसरा, मैं आपको की पॉइंट्स इसमें और बता देता हूँ कि जो भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है, ऊपर गया या नीचे गया है, ओके, मोस्टली नीचे गया है, वो होता है सुबह 9:30 या 10:30 के आसपास, ठीक है, मार्केट में चेंज आता है। और जो बॉटम गया है वो रात को लगभग कभी 11:30 या 12:30 के आसपास होता है,
या मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4:30 के आसपास रेट में फ्लक्चुएशन आता देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये 3:30 बजे, ठीक है। इसलिए आता है कि जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं वहाँ पे जो बाकी जो पॉपुलर कंट्रीज हैं जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग करती हैं, चाइना है, अमेरिका, ये सब है, उनकी टाइमिंग हमारी टाइमिंग से काफ़ी अलग है। तो इसके वजह से रात के 12:30 बजे बाकी जो वर्ल्ड की कंट्रीज होती है वहाँ पे काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो आप ये चार्ट सब समझ के एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कि यहाँ पे आप एक देख सकते हैं जो लेवल है, एक टॉप हाई, उसके बाद दूसरा टॉप हाई, उसके बाद तीसरा टॉप हाई, ठीक है। तो ये भी तीन एक आपको बता देता है कि अब जो मार्केट का ट्रेंड है वो ऊपर भी जाने वाला है, ओके। तो अभी हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ 3-4 दिन में जो रेट्स क्या है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये था गूगल ट्रेंड्स के बारे में कि गूगल ट्रेंड्स को किस तरह से आप यूज़ करके मार्केट का ट्रेंड पता कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको ये कहूँगा, इसके साथ जो भी फोर चार्टिंग मेथड्स है या एडवांस चार्टिंग मेथड है उसको भी यूज़ करके, उसको भी यूज़ करेंगे आप साथ में, तो आपको और ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। और याद रखिए, जब भी आप ये चार्ट यूज़ करें तो 7 डेज का ही लेना। अगर आप 30 डेज का लेंगे तो आपको ग्राफ पूरा अच्छे से मालूम नहीं पड़ेगा, बहुत छोटा ग्राफ दिखेगा, ओके। तो दोस्तों ये था गूगल ट्रेंड यूज़ करके हम किस तरह से पता करें मार्केट का ट्रेंड ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इसमें किस तरह से ट्रेडिंग करना है वो भी आपको पता चल गया होगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मेरे फेसबुक के पेज है उसको भी आप फॉलो करिए, ताकि क्योंकि उस पर भी मैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स डालता रहता हूँ। का फेसबुक से क्या रहता है कि मैं कुछ भी जो अपडेट्स रहते हैं वो इमीजिएटली आप तक पहुँचा सकता हूँ। YouTube में क्या रहता है कि हमेशा एक वीडियो अपलोड करना रहता है उसमें बहुत टाइम जाता है, ठीक है। तो Facebook के थ्रू मेरे से कनेक्ट रहिए, Telegram के थ्रू मेरे से कनेक्ट रहिए। और आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि एक WhatsApp का ग्रुप बनाया जाए या Telegram का ग्रुप बनाया जाए, तो हम एक Telegram का ग्रुप बनाएंगे क्योंकि WhatsApp का ग्रुप में ज़्यादा लोग नहीं आ सकते हैं, उसमें एक लिमिटेशन रहती है, और Telegram का जो ग्रुप रहता है वो बहुत बड़ा हम बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए और कम से कम 1,000 लाइक मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को मिले, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो माइनिंग के ऊपर है, ऑटोमेटिक माइनिंग के ऊपर है, जहाँ पे आपको एक पैसा नहीं खर्च करना है, वो आप मैं आपके सामने लेके आ सकूँ। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं वो मैं आपके सामने लेके आ सकूँ। तो दोस्तों अगेन हैप्पी होली टू एवरीवन, फिर मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, नई इनकम अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।